कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनुष्य दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं और मनुष्यों की दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवों की दीपावली होती है। कार्तिक माह का सबसे पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन देवलोक में दीपोत्सव मनाया जाता है। मनुष्यों की भांति देवता भी दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। देव दीपावली पूर्णिमा के दिन कार्तिक के महीने में मनाई जाती है और यह देवताओं या परमेश्वर की दीपावली है। इस दिन पूर्ण चांद का दर्शन होता है। तुलसी विवाह की रस्म भी इस दिन पूरी होती है और इस दिन तुलसी विदाई होती है। देव दीपावली दीपावली समारोह की पूर्णता का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन देव भी दिया जलाते हैं। रात में चांद की रोशनी के साथ दियों की रोशनी पूरे वातावरण को खुशनुमा कर देती है। कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने वामन अवतार के बाद और बलि के पास से लौटकर अपने निवास स्थान बैकुंठ पधारे थे। इसी खुशी में दीप जलाए गए। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने 3 दैत्यों का वध किया था, जो अपनी आसुरी शक्ति का प्रचार करके निर्दोष मनुष्यों का वध करते थे। विद्वानों के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन दैत्यों द्वारा निर्मित 3 राज्यों का भी अंत किया था, जहां आतंक और विनाश का साया छाया हुआ था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन मंदिरों सहित घर घर की देहरी पर दीपक जलाए जाते हैं। विशेष रूप से तुलसी जी के समक्ष एवं जल में दीप दान किए जाते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली पर सच्चे दिल से कही गई प्रार्थना और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह इस दिन व्रत रख कर और पारण करने पर सच्चे दिल से पुरोहित जोड़ों को भोजन, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि देने से घर में खुशहाली आती है। कार्तिक मास के पहले दिन से पूर्णिमा तक आकाश दीप जलाने की परंपरा अंधियारे से उजाले की ओर बढ़ने की सनातन परंपरा है। वहीं दूध का दान करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष लाभकारी होता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। दूध का दान माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। वस्त्रों का दान भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो अधिक से अधिक वस्त्रों का दान करें। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही समाज में भी सम्मान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अन्न का दान महादान माना गया है। इस दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह दान विशेष रूप से पुण्यदायक होता है। गुण का दान भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुण का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।